हेलो एवरीवन, वेलकम बैक विद अनदर वीडियो। आज की जो हमारी वीडियो है बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है, क्योंकि सब लोग जो हैं वो असिस्टेंट एसटीजीज का वेट कर रहे थे, तो वो वाली पोस्ट फाइनली आ चुकी हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की इस वीडियो को। जैसे कि आप जानते हैं कि असिस्टेंट की न तहसीलदार की तहसीलदार की जॉब्स आनी थी, जो कि आज आ चुकी हैं। ये बहुत बड़ी जॉब है, आप सबको चाहिए कि इस जॉब के लिए ज़रूर अप्लाई करें। ये जो जॉब है वो PPSC के थ्रू आई है। ये एडवर्टीजमेंट नंबर 14 है, जो कि आज के ही न्यूज़पेपर में पब्लिश हुई है। ये 16 स्केल की जॉब है और इसमें 108 टोटल जॉब्स हैं। इसमें क्वालिफिकेशन आपने अगर BS किया है या फिर BA किया है, फिर या फिर आपकी जो डिग्री है वो सेकेंड डिवीजन की है, तो फिर आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और उसके बाद अगर एज की बात की जाए तो मेल्स के लिए 18 to 25 है टोटल, यानी कि 30 फाइव ईयर की रिलैक्सेशन है। और उसके बाद अगर फीमेल की बात की जाए तो उनकी 33 है। ये जो पेपर है ये वन पेपर होगा GK बेस पे, जिस तरह से हम PPSC या FPSC का जो है वो पेपर देते हैं। इसमें जो है मेल और फीमेल दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं, या जितने भी मतलब पंजाब में ये सीट्स हैं। अगर इसकी जो पोस्टिंग है वो लाहौर में होगी, इसमें वन पेपर लिया जाएगा जिसमें जो है वो 100 मार्क्स का होगा। इस 100 मार्क्स का पेपर है, उसमें सबसे पहले तो GK आएगा, उसके बाद पाकिस्तान स्टडी, करंट अफेयर, इस्लामिक स्टडी, और जो नॉन मुस्लिम हैं उनके लिए जो है वो एथिक एक सब्जेक्ट होता है। उसके बाद अगर जियोग्राफी भी इसमें पूछा जाएगा, उसके बाद बेसिक मैथमेटिक्स जिसमें अलजबरा आ जाता है, उसके बाद परसेंटेज आ जाती है, और भी 2-3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें तकरीबन 10-10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सम टाइम जो है वो 10-12 भी पूछ लेते हैं, या फिर 10-15 भी। उसके बाद इसमें इंग्लिश का एक पोर्शन आता है जिसमें 10+ जो है ना वो MCQs होते हैं, इसको आपने पास करना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद साथ ही उर्दू का पेपर होता है इसमें, और एवरीडे साइंस होता है, और उसके बाद कंप्यूटर की बेसिक्स जो है नॉलेज आपसे पूछी जाती है। उसके बाद ये जो असिस्टेंट की जॉब है उसकी प्रॉपर सारी मैंने डिटेल आपके साथ शेयर कर दी है, कि उसका चलान फॉर्म कितने का होगा, उसकी एज रिलैक्सेशन क्या होगी, एक्सपीरियंस चाहिए कि नहीं चाहिए, इसमें आपकी मतलब क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, आपकी पोस्टिंग कहाँ पे होगी, सारी जो है ना हॉनो मैंने आपको इस एक पेज में बता दी है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तहसीलदार की या फिर नायब तहसीलदार की, तो उसकी भी प्रॉपर डिटेल मैं आपके साथ आगे वीडियो में शेयर कर देती हूँ। आप देख सकते हैं उसका सिलेबस, इसमें एज रिलैक्सेशन, पोस्टिंग, A to Z सारी डिटेल्स वहाँ दी गई हैं। तो वीडियो के एंड तक लास्ट भी देखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।